इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी के घर पर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने व्यापारी के घर से वर्षों से काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी हुआ लाखों रुपए के हीरे जेवरात भी और जो आभूषण थे वह बरामद कर लिए गए हैं और अब उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी शिवम वागले के यहाँ पर उनके ही घर के नौकर के द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया था। पूरे मामले में पुलिस ने 8 दिनों में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने राजस्थान के चंस्ता कुरबाड़ा उदयपुर में यहां पर पुलिस ने 9 दिनों तक दबिश बनाई रखी और इसके बाद में पुलिस ने नौकर नरेश को यहां से पकड़ लिया है, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने जो दोस्त है भरत पटेल नामक जो दोस्त था उसके साथ में मिलकर इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और यहां पर जो उसका भाई है ईश्वर उसके पास माल रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने पूरा माल भी बरामद कर लिया है और अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक 35 लाख रुपए के जेवरात और हीरे से जड़े हुए कई आभूषण अभी बरामद कर लिए गए, 4 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं और लगातार अब बदमाश से पूछताछ की जा रही है। एमजी रोड थाना क्षेत्र में 2 तारीख की रात में घर में नकबजनी हुई थी, जिसमें लगभग 32-33 लाख रुपए के ज्वेलरी थी और 4-5 लाख रुपए उनके नगद थे। तो जो फरियादी हैं उन्होंने जब थाने में रिपोर्ट करी तो इसको सभी ने गंभीरता से लिया। हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं और थाना प्रभारी हैं, इन्होंने टीम फॉर्म की और सूचना संकलन किया। जो इनके यहाँ कुछ दिनों पहले नौकर आया था उसके बारे में छानबीन की, जब जानकारी ली तो पता चला कि वो राजस्थान का निवासी उदयपुर ज़िले का। तुरंत ही एक टीम रवाना हुई, वहाँ उसके बारे में जानकारी ली, उसको गिरफ्तार किया। उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के नाम बताए गए। पुलिस टीम ने स्टे करके वहीं पर लोकल पुलिस से, जो उदयपुर की पुलिस है, उनसे भी सामंजस्य बैठाया और एक ज्वाइंट एफर्ट करके आरोपियों गिरफ्तार करके और जो माल गया था चोरी का, आभूषण गए थे, कैश गए थे, उनकी जब्ती की और 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब आगे उनकी कार्रवाई की जा रही है आगे की वैधानिक। नहीं एकदम, ये तो कहाँ का रहने वाला है, जिसने एम्प्लॉय किया था उससे जानकारी ली, फिर अन्य जानकारियाँ जैसे पहुँचते गए गाँव में और सूचना संकलन करते गए और जो ज़िले की पुलिस है वहाँ की उसको भी अपनी टीम में शामिल किया, उनको भी जो जानकारी उनको भी थी उसको भी शेयर हमसे उन्होंने किया, इसके आधार पे पकड़े गए। सर बड़ी घर का कुछ पता था, महिला का नौकर था या कोई जान पहचान थी या घर का पता था किनको? आरोपी के बारे में नहीं, ये आरोपी के बारे में जानकारी, क्योंकि घर का में 3-4-5 दिन पहले जो नौकर था, आमतौर पर पुलिस पूछताछ करती है घर में और कौन कौन काम करता है, कौन और आते हैं, इसी आधार पर पुलिस इस उस पर पहुंची नतीजे पर। वो तो हाँ, जब देखिए जब डिटेल पता चल जाता है तो अन्य लोग काम करते हैं जो, उनसे पता चल जाता है, उस एरिया के रहने वाले, उनको पता किया, उनके जब वहाँ गांव में पहुँचे तो उनके रिश्तेदारों को पता किया, लोकल पुलिस की मदद ली। तो शहर के बाहर का मामला था, आरोपी फरार हो गए थे, लगभग 20 लोगों की टोटल टीम थी जिन्होंने काम किया अलग अलग समय में। एक टीम पहले एक आरोपी को लाई, फिर उसको पीआर लिया, फिर उससे पूछताछ किया, एक टीम उन्हें वहीं स्टे किया, फिर दूसरी टीमें गई। तो इसमें पूरे नाम दिए हुए हैं सभी के। इसमें न सिर्फ एमजी रोड थाना बल्कि तुकोगंज और कोतवाली थाने के भी जो आरक्षक थे उन्होंने भी इसमें अच्छा रोल किया। इवन उदयपुर ज़िले के जो पुलिस थे उनके भी हम उनको प्रशंसा भेजेंगे या उनको इनाम के लिए उनके एसपी साहब को लिखेंगे, तो उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया, तब एक बड़ा ये काम हुआ। और इसको कोऑर्डिनेट पूरे समय हमारे एडिशनल डीसीपी साहब और एसीपी साहब करते रहे, उनसे लगातार संपर्क में रहे, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, इससे एक अच्छा रिकवरी हो पाई।